जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, और एक दफ़ा फिर आप सबको हम खुश आमदीद कहते हैं आरजे ज़ाहिद जमील की जानिब से और आँच डिजिटल एंटरटेनमेंट की जानिब से। जैसे कि आपको पता है हमारा प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम का नाम होता है जो है आँच के मेहमान। और आज वैसे तो आपने बहुत सारे मेहमानों का यहाँ पर देखा होगा, लेकिन आज जो हमारे यहाँ पर मेहमान हैं वो थोड़े से यूनिक हैं, थोड़े से मुख्तलिफ हैं और इन सबसे सुपीरियर हैं, मैं ये चाहूँगा, क्योंकि वो हैं नन्नी परी। यानी कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं मदनी सिस्टर्स, जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। बहुत ही खूबसूरत उनकी आवाज़ है और एक यूनिक स्टाइल उन्होंने पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो यूनिक स्टाइल क्या है, वो आपको बड़ा मज़ा आएगा। माशाल्लाह आप उनको कि जब आप आवाज़ सुनेंगे, आप जब वो पढ़ रही होंगी, जब वो जिस अंदाज में वो परफॉर्म कर रही होंगी, तो आपके मुँह से सुबहान अल्लाह निकलेगा, क्योंकि वो अंदाज़ ही बड़ा खूबसूरत उनका अंदाज़ है। और बड़े जिस अंदाज में वो पढ़ती हैं, फूल झड़ते हैं उनके अंदाज़ में। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे पास जो यहाँ पर मौजूद हैं मदनी सिस्टर्स, वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है और शागिर्द हैं, ये भी आपको बताना चाहूँगा। जी नाज़रीन, ये नन्नी परी जिनकी शागिर्द हैं वो ख़ुद किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, आलमी शोहरत याफ्ता बहुत ही बड़े नातवां हैं, सना ख्वां भी कह सकते हैं आप उनको। और मैं चाहूँगा कि उनके लिए बहुत सारी दुआएँ भी होनी चाहिए, मरहूम है वो, और लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें और उनका जो अंदाज़ है। जी नाज़रीन, और वो जो प्यारी प्यारी सी बच्चियाँ हैं हमारे साथ मदनी सिस्टर्स, और उनमें अक्स आता है राशिद आज़म जो कि मरहूम है, वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। हम सब उनके लिए दुआ हुए हैं, आप भी दुआ कीजिएगा। आइए नाज़रीन, हम आपको मिलवाते हैं मदनी सिस्टर। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी? ज़ोर से बोलिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप अपना नाम बताइए मुझे। मेरा नाम शमरदल है। शमरदल, ठीक है। और आपका नाम? शहजीन। शहजीन आपका नाम है। नाज़रीन, शमरदल और शहजीन हमारे साथ मौजूद हैं, और जिनको प्यार से और जिनका बेसिक जो नाम है वो है मदनी सिस्टर्स, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत नाम है। तो शमरदल, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ज़रा मुझे ये बताइए कि मदनी सिस्टर्स जो नाम रखा गया है माशाल्लाह आपका, तो वो किसने रखा है? हमारे उस्ताद मोहतरम सर राशिद आज़म, जो आलमी शोहरत याफ्ता सना खां हैं, उन्होंने ही हमारा जब आगाज़ हुआ था हमारे नात पढ़ने का, वहीं से उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उनका जो नाम होना चाहिए वो मदनी सिस्टर्स होना चाहिए। अच्छा, आपका जो नाम होना चाहिए? हमारा जो नाम होना चाहिए वो मदनी सिस्टर्स होना चाहिए। जी जी। क्योंकि उसके उस वक्त जो थे ना, हम लोग एक साथ ही थे, तो एक साथ नात पढ़ते थे माशाल्लाह। तो उन्होंने भी डिसाइड हम लोगों को देख के करा के, और फिर नाम रखना शुरू करा कि इनका नाम जो है मदनी सिस्टर्स और ये ट्विंस करके नाथ पढ़ेगी। अच्छा, आप ट्विंस हैं माशाल्लाह? नहीं, हम ट्विंस नहीं हैं, हम छोटे बड़े हैं, लेकिन अच्छा, सब यही कहते हैं कि हम ट्विंस हैं। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, आप नाथ पढ़ती हैं, आपके उस्ताद जो हैं, अच्छा ये बताएं आपके फेवरेट नातवा जो है वो कौन है? हमारा उस्ताद ही हमारे फेवरेट थे, क्योंकि उन्होंने हमें नाथ पढ़ने की जो प्रैक्टिस है हमें दी, और डफ की ट्रेनिंग तरबियत दी, और डफ के भी साथ साथ हम लोग को ट्रेनिंग दी ताकि हम लोग डफ के साथ नाद पढ़ सकें। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको बचपन से शौक था? जी जोर से बोलो। जी, बचपन से शौक था माशाल्लाह। इनको जो है वो इससे भी जो छोटी इनकी उम्र है, इससे भी कम उम्र है, तो ये जब से माशाल्लाह इनको शौक था। तो मुझे ये बताएं कितने साल से आप पढ़ रही हैं? हमें तकरीबन 2 साल हुए हैं हम लोग नाद पढ़ते रहे। अच्छा, तो आपने कहाँ कहाँ नाद पढ़े माशाल्लाह? आपने किसी कंपटीशन वगैरह में भी हिस्सा लिए? कंपटीशन में नहीं, लेकिन उसके अलावा परफॉर्मेंस में हम लोगों ने बहुत सारे अवार्ड्स भी लिए हैं। एक हमारे उस्ताद मोहतरम के जिंदगी में उन्होंने हम लोगों को अवार्ड दिलाया था। अच्छा, ये बताइए कभी स्कूल में जो कॉम्पिटिशन होते हैं, नातियाँ मुकाबले वगैरह, तो उसमें आपने हिस्सा लिया? जी जी, और उसमें पोजिशन भी हासिल करी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अच्छा ये बताएं, आपकी जो स्कूल जो फेलोज हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी तो माशाल्लाह अभी खेलने की भी उम्र है, तो आपके साथ की जो फ्रेंड्स हैं वो क्या कहती हैं माशाल्लाह? आप तो मदनी सिस्टर्स एक मशहूर मारूफ आपका नाम हो गया, तो वो तो खुश होती होंगी आपको देखने के बाद? वो हमें खुश भी होती हैं, और हमारे जो चैनल है यूट्यूब पे, उस पर सब्सक्राइब भी करती हैं। अच्छा, और अच्छा, हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करती। अच्छा, आपका अपना भी चैनल बना हुआ है? जी। किस नाम से? मदनी सिस्टर्स के नाम। नाज़रीन, उनका जो चैनल है वो मदनी सिस्टर्स के नाम से, तो आप उसको भी लाजमी देखें। हमारे चैनल को तो आप करेंगे, तो हमारे चैनल के साथ साथ जो है वो आपने मदनी सिस्टर्स के जो चैनल है उसको लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और क्या करना है? सब्सक्राइब भी करना है जनाब, और बेल आइकन को भी लाजमी आपने दबा देना। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके घर से सपोर्ट है आपको? जी जी, बहुत ज़्यादा। कौन सपोर्ट करता है आपको? मेरे
फादर हैं और मेरी मदर हैं, वो ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। उसके अलावा मेरा पूरा ददियाल है, ननियाल है, सारे अच्छा, माशाल्लाह ज़बरदस्त। और मैं जो व्यूवर्स घरों में बैठे हुए हैं, आज इनसे बात करने का मेरा यही मकसद है कि जो लोग घरों में बैठे हुए हैं, आपके घर में भी बहुत टैलेंट है, आपके घर में भी बहुत कॉन्फिडेंस है, आपके प्यारे प्यारे बच्चों में। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपके बच्चों में टैलेंट है या नहीं है, आप अपने बच्चों में टैलेंट जो है वो डेवलप करें। जिस तरीके से ये जो मदनी सिस्टर्स बैठी हुई हैं, इनके पेरेंट्स, इनके घर वाले, इनके ख़ानदान वाले जो हैं इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरीके से आप लोग भी सपोर्ट कीजिए ताकि आपके बच्चे या आपके जो मुस्तकबिल के मेहमान हैं वो बड़े होकर अपने फैसले खुद कर सकें, उनमें कॉन्फिडेंस पैदा हो। ये मेरा खूबसूरत सा पैगाम है आज के लिए। तो मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगा और ब्रेक के बाद मैं चाहूँगा कि मदनी सिस्टर्स जो हैं वो आपको डफ बजा के जो इनका अंदाज़ है उसमें आपको जो है वो नाच सुनाए। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलता हूँ मैं ब्रेक के बाद। बारह रबीउल अव्वल के दिन, बारह